हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक टाइकून। आज हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में। तो एरे क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बात समझाता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हमारे पास एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें टास्क दिया जाता है और उन्हें हमें वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है, तो सोचिए क्या होगा। अगर स्टूडेंट 50 हैं, 100 हैं, तो हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि हम 100 वेरिएबल बना लेंगे और 100 स्टूडेंट्स का डेटा हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्योंकि हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कॉलेज के अंदर तो हज़ारों बच्चे होते हैं और उसमें हमें उनके डेटा को स्टोर करने के लिए अगर हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, तो आप सोचिए कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपके पास आएगी, तो एक तो आपके पास आएगा कि 1000 स्टूडेंट्स को या 2000 स्टूडेंट्स को, 3000 स्टूडेंट्स को स्टोर करने के लिए वेरिएबल को बनाने से भी पहले उसका नाम सोचना पड़ेगा, कि क्योंकि हर वेरिएबल का नाम एक से अलग होना चाहिए, ये रूल है। तो यानी अगर हमें 3000 वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो हमें 3000 वेरिएबल के नाम सोचने पड़ेंगे। और अगर हम नाम किसी तरह सोच भी लें, तो फिर हमें 3000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और उसे मैनेज करना पड़ेगा। और वो 3000 पे भी लिमिट नहीं है, हो सकता है कल आपको वो 3000 से बढ़ के 6000 हो जाएँ, 10000 हो जाएँ। तो इस तरह तो हमारे पास जो अगर इस सिचुएशन में वेरिएबल की अप्रोच बिल्कुल गलत हो जाती है। तो जब कभी हमारे पास डेटा कलेक्शन में आना हो, या हमें डेटा बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ जाए और हमें उसे स्टोर करवाना हो, तो तब हम वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम कलेक्शन का यूज़ करते हैं। और हमारे पास बेहतरीन कलेक्शन एरे की सूरत में हमें सी शार्प में मिलती है। सो एरे क्या होता है, एरे इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। यानी एरे के अंदर हम एक ही डेटा टाइप के कलेक्शन को लीनियर वे के अंदर, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर स्टोर करवा सकते हैं और उसी को हम रिट्राइव करवा सकते हैं उसके इंडेक्सेस की मदद से। फ़र्ज़ कीजिए, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे नेम बनाना हो, तो मैं कुछ एक वेरिएबल का नाम स्टोर करने के लिए, यानी एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए मैं इस तरह से नाम दूंगा। लेकिन अगर मुझे अगला वेरिएबल बनाना है, तो मुझे कॉपी पेस्ट और इस तरह से मैं कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर नाम का कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो यकीनन मुझे इसे 2, 3 या 4 करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे बात हमने कही कि हज़ारों में अगर हमारे पास डेटा होगा, तो फिर हम ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास बेहतरीन अप्रोच एरे है। अब देखिएगा एरे का सिंटैक्स क्या है। आप जिस तरह वेरिएबल को डेटा टाइप देते हैं, आप किसी भी टाइप का एरे बना सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, व्हाटएवर आपको जो भी टाइप का बनाना हो। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग लिया, क्योंकि मैं नेम की बात कर रहा हूँ। तो आप डेटा टाइप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे आप वेरिएबल बनाते वक्त लिखते हैं। फिर आप एरे का साइन लगाएंगे, यानी एरे का साइन क्या, एरे वाले ये ब्रैकेट, ये डिनोट करते हैं एरे को। फिर आप जिस तरह आप वेरिएबल का एक नाम देते हैं, आपने नाम दे दिया, मैंने कहा एसटीडी नेम्स, यानी स्टूडेंट नेम्स। अब इस एक वेरिएबल के अंदर मैं जितने चाहे उतने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट करवा सकता हूँ, है ना, ये कमाल की चीज़। तो इसमें क्या होगा कि अब मुझे 1000 नाम, 2000 नाम, 6000 नाम सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने स्टूडेंट नेम्स के नाम से एक कलेक्शन बना ली और अब उस कलेक्शन में मैं जितने चाहे नाम इंसर्ट करा सकता हूँ। उसके बाद जब आप ये नाम दे देते हैं, उसके बाद आपने लगाना है इक्वल टू, फिर आपने लिखना है न्यू का कीवर्ड, देन अगेन इस आपने टाइप बतानी है कि आपने स्ट्रिंग टाइप लिया था, देन अगेन आप ब्रैकेट लगाएंगे एरे के, और यहाँ पर आप लिमिट देंगे, यानी लिमिट आप बताएंगे कि आप 10 नाम स्टोर करवाना चाहते हैं, आप 100 नाम स्टोर करवाना चाहते हैं, आप 1000 नाम स्टोर करवाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। ये आपके पास एरे बन गया, और एक ऐसा एरे जिसकी लिमिट 1000 है, आप इसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं, 10000 कर सकते हैं, जितना आपके पास डेटा आपने स्टोर करवाना आप उतना करवा सकते हैं। मैं फ़िलहाल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पर 10 रिकॉर्ड रख लेता हूँ, बस मुझे इतना ही करना है और मेरे पास 10 इंडेक्सेस के बराबर मुझे जगह मेमोरी में मिल जाएगी। अब ये करने के बाद दूसरे स्टेप में याद रखिएगा कि अभी हमने वैल्यू को, एरे को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज़ किया है, इसमें हमें वैल्यू देना भी बाकी है, यानी अभी इसकी इनिशियलाइजेशन मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं हुई। अब उसको हमें इनिशियलाइज़ करने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो हम लिखें एरे का नाम,
और एरे काम करता है इंडेक्सेस पे। इंडेक्स क्या होती है, आप जैसे ही एरे का नाम लिखेंगे, अब आपको इसमें वैल्यू स्टोर करवानी है, तो वे नाम एक है पर इंडेक्स मुख्तलिफ हैं, तो उसकी मदद से हम मेमोरी के अंदर वो नाम सेव करवा सकते हैं। मैंने लिखा ज़ीरो, सबसे पहली एरे के अंदर जो इंडेक्स होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी एरे की वो हमेशा ज़ीरो होगी और ये ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया ज़हीन। अब इसी तरह मुझे 10 नाम स्टोर करवाने हैं, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ पहले। अब मैं सिर्फ इंडेक्सेस बदलूँगा, मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। तो मैंने कहा यहाँ पर 8 और यहाँ पर मैंने कहा 9, ये 10 हो गए, ठीक है जी। लिमिट का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हुआ तो अगर हम गिनेंगे तो ये काउंटिंग में 10 बनेंगे। हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ आप नाम चेंज कर दें, हमने एक ही नाम की मदद से, एक ही कलेक्शन की मदद से ये सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट करवा दिया। अब प्रिंट करवाने का भी प्रोसेस बड़ा आसान है, आप यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन कीजिए और जो इंडेक्स आपने प्रिंट करवानी हो वो आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ज़ीरो इंडेक्स प्रिंट हो, यानी ज़हीन नाम प्रिंट हो, तो यहाँ पर आपको ये ज़हीन नाम कंट्रोल F5 कीजिए, आपको ये स्क्रीन पर वो नाम दिखा देगा जो इंडेक्स आपने दी होगी। सो ये डायनेमिकली काम करेगा, आपने आप यहाँ पर बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर जो इंडेक्स देंगे ये उस इंडेक्स का डेटा लाके आपके सामने रख देगा। सो ये एरे का फ़ायदा, एरे को बनाना, इनिशियलाइज करना, वैल्यू देना और यहाँ पर इसकी वैल्यू को आप प्रिंट करवा सकते हैं जितना आप चाहें। तो हमने देखा कि एरे को हमने बनाकर और प्रिंट किस तरह से करवाया, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं आपको एक स्लाइड की मदद से इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जिस तरह हमने पढ़ा कि एरे इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, तो लीनियर का मतलब ये एक सीक्वेंस में, मेमोरी में, ये रैम के अंदर जहाँ भी बनेगा एक सीक्वेंस से बनेगा, तो देखिए तरतीब से उसकी वैल्यू को स्टोर करता है। अब जिस जगह वो वैल्यू स्टोर हो रही है उसे हम इंडेक्स कहते हैं, यानी आप यूँ कंसिडर कीजिए कि एक होटल है और उस होटल के अंदर एक लीनियर एक साथ एक रो के अंदर रूम्स बने हुए हैं और हर उस रूम के अंदर जो यूनिक चीज़ होगी वो उसके नंबर्स होंगे। और इसी तरह से यहाँ पर इंडेक्सेस भी वही काम करते हैं कि ज़ीरो पे हमने बताया कि हमारी 12 वैल्यू सेट हुई, 1 इंडेक्स में हमने 52 सेट की और जो भी है हमने 10 लिमिट दी थी तो यहाँ पर 10। सो वैल्यूज़ का ताल्लुक उसकी इंडेक्सेस पर डिपेंड करता है, आप जब भी एरे को एक्सेस करेंगे तो उसकी इंडेक्स से याद एक्सेस करेंगे। याद रखिएगा कि एरे को इंडेक्स से ही गेट करना है और इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होती है। एक दूसरी एग्जांपल के थ्रू एरे को हम समझते हैं कि एरे को इनिशियलाइज कराने के और कितने तरीक़ों से हम इनिशियलाइज करवा। तो सबसे पहले मैं आपने कोई भी डेटा टाइप, मैंने स्ट्रिंग ले ली और यहाँ पर मैंने, या अब की बार मैं इंटीजर ले लेता हूँ, बात एक ही है। आपने यहाँ पर एरे का साइन लगाया, आपने नाम दे दिया, मैंने कहा STDH और यहाँ पर न्यू, और यहाँ लेंथ अगर मैं नहीं देना चाहता तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली ब्रैकेट लगाने हुए कर ली। अब इसकी लेंथ डायनेमिक है, मैं जितनी ही वैल्यू यहाँ पर देता जाऊँगा, तो मैंने इंटीजर लिखा 10, फिर मैंने लिखा 12, फिर मैंने लिखा 13, 14, 15, 16, 17, मैं कॉमा से सेपरेट करता जाऊँगा। एक ये भी इनिशियलाइजेशन का इसका तरीका है, एक दूसरा तरीका इससे पहले हमने देखा था। और अगर आप थोड़ा सा और इसको डिफाइन करके या थोड़ा सा और सिलेक्टिव वे में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैंने इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये भी एक इनिशियलाइजेशन है, आप इसको जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि जब आपने यहाँ पर आप लिमिट नहीं देते तो फिर आपके हाथ के हाथ आपने यहाँ पर उसकी लिमिट बतानी है। अब एरे की लिमिट वो इन इंडेक्सेस से काउंट कर लेगा और उसे वहाँ पर प्रिंट करवा देगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक इंडेक्स यहाँ पर लेकर, जैसे मैंने कहा STDH ले और उसका जो इंडेक्स प्रिंट हो वो ज़ीरो हो, तो ये पहली इंडेक्स यानी यहाँ पर 10 वैल्यू प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये एरे को इनिशियलाइज करवाने का एक और तरीका।
साथ के साथ अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो कि एरे हमने बना तो लिया, हमने उसमें मल्टीपल वैल्यू भी स्टोर करवा दी, लेकिन हमें प्रिंट करवाते वक्त उसकी एक एक इंडेक्स यहाँ पर देनी पड़ रही है। अब अगर हमें सारे वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो फिर हम क्या करें, तो हमें क्या सारी की सारी यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते जाएंगे और इंडेक्सेस को प्रिंट करवाना तो ये एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हम बड़ी आसानी से एक ही लाइन में लिख के एरे के सारे इंडेक्सेस को प्रिंट करवा सकते हैं, और वो तरीका है लूप की मदद से। तो मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ। हम वापसी अपनी स्ट्रिंग वाले एरे की तरफ चलते हैं ताकि हमें एक ज़रा बेहतर एग्जांपल मिल सके प्रिंट कराने के लिए। तो ये मेरा स्ट्रिंग का एरे जो हमने पहले बनाया था, इसमें कुछ हमें टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा हमारे पास स्टोर है। अब देखिए, मैंने कहा कि एक ही लाइन की मदद से हम सारी की सारी इंडेक्सेस एरे की कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। उसका तरीका बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर लूप यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करता हूँ। मैंने लिखा फॉर, उसकी बॉडी बनाई, और फिर मैं यहाँ पर उसको इनिशियलाइज जो प्रोसेस है वो करते हैं। मैंने कहा कि जी एरे की इंडेक्स भी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो मैंने इसके इंडेक्स को भी ज़ीरो से स्टार्ट करवाया। फिर मैंने कहा कि ए लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 10 के, क्योंकि यहाँ पर हमने उसकी लिमिट 10 रखी है। अब अगेन इंक्रीमेंट, और फिर हमें यहाँ पर इस लाइन को उठाकर हम इस बॉडी में रख देंगे, ठीक है। लेकिन अब की बार हम इंडेक्स हार्ड कोडेड नहीं देंगे, बल्कि हम एक की जो वेरिएबल लूप को चला रहा है जिसके नंबर हर वक्त चेंज होंगे, हम यहाँ पर ए रख देंगे। अब ये बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर ए जो हमने एरे के इंडेक्सेस को और लूप की इनिशियलाइजेशन को सेम रखा है, तो जब एरे के इंडेक्स ए होगी यानी ज़ीरो, तो ज़ीरो प्रिंट होगा, यानी जब वन होगा तो वन इंडेक्स, फिर थ्री इंडेक्स, फिर टू इंडेक्स, फिर इसी तरह से आगे ये चलती रहेंगी और प्रिंट होती रहेंगी। ठीक है जी, मैं यहाँ से इक्वल टू हटा लेता हूँ। इक्वल टू इसलिए हटा लेता हूँ ताकि ये लिमिट बराबर हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको गिनेंगे तो ज़ीरो से लेकर ये वैसे ही 10 बनेगा, ताकि ये आउट ना हो, और यहाँ पर हम इसको चलाते हैं। तो ये देखें, एक ही कंसोल और गाइड लाइन की मदद से हमने सारे के सारे एरे के जो इंडेक्सेस थे वो प्रिंट कर लिए। इसको थोड़ा सा और डायनेमिक करने के लिए कि अगर लेंथ आपको खुद से पता ना हो, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि एरे की लेंथ हमें नहीं पता होती, तो उसके लिए आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने एरे का नाम लिखना है और आपने डॉट लेंथ, ये एरे की प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ, इसकी मदद से एरे की जो भी लिमिट है, जो भी लेंथ है, ये ऑटोमेटिकली उसे कैलकुलेट करता है और यहाँ पर रख देता है। हमें हार्ड कोडेडली बताने की ज़रूरत नहीं है कि 10 बार 20 बार 30 बार जितनी भी एरे की लिमिट होगी ये खुद उठाएगा और उसको खुद चला देगा। आप देखना चाहें इसे तो आप चलाएं, ये आपका सारा का सारा एरे यहाँ पर आपको प्रिंट हुआ हुआ नज़र आएगा। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं, एरे का मतलब कलेक्शन है जो कि सिमिलर डेटा टाइप पर डिपेंड होता है। आप 1000, 2000, 10000 वेरिएबल्स बनाने के बजाय आप एक सिंपल कलेक्शन एरे बनाते हैं और उसके अंदर आप जितने चाहें रिकॉर्ड इंसर्ट करवा सकते हैं। एरे इंडेक्सेस पे काम करता है और इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होती है। किसी भी टाइप का एरे आप बना सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग का हो, इंटीजर का हो, डबल हो, कैरेक्टर हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तरीकेकार यही है, बस आपने यहाँ पर इसकी डेटा टाइप को चेंज कर लिया। सो आई होप आपको एरे समझ आया हो। फिर इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डिफ़िकल्टी किसी भी किस्म की हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।